स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एम फिल फिजिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 5 का ग्रेविटेशन। चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास ग्रेविटेशन, उसका टॉपिक है हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को पढ़ने से पहले हम देखेंगे हमारे पास सैटेलाइट क्या चीज़ होती है। सैटेलाइट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द घूमना शुरू कर दे, किसमें, स्पेस में, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सैटेलाइट कहलाता है। जैसे कि चांद है जो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, ये क्या है, ज़मीन का सैटेलाइट है हमारे पास। ये कौन सी सैटेलाइट होगी है, ये नेचुरल सैटेलाइट होगी है हमारे पास है। उसको देखते हैं कि हमने कैसे डिफाइन किया हुआ है। हमने अ बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड एन अदर बॉडी इन स्पेस इज कॉल्ड सैटेलाइट, यानी कि ऐसी बॉडी जिसको हम वो जो क्या करती है, रिवॉल्व करती है दूसरी बॉडी के इर्द गिर्द, इज कॉल्ड सैटेलाइट। इसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। इसके आगे दो टाइप्स है हमारे पास है, एक नेचुरल सैटेलाइट है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट की ऑलरेडी मैंने एग्जाम्पल दे दिया है कि कौन सी है हमारे पास, मून, यानी कि चांद जो है हमारे पास क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, यानी कि इंसान की बनाई हुई सैटेलाइट्स हैं जो ज़मीन से स्पेस में भेजी गई हैं, वो क्या होती है हमारे पास, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं। जैसे कि हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगी, नेविगेशन सैटेलाइट होगी, ये जो जो सैटेलाइट्स हैं हमारे पास क्या हैं, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। देखते हैं कि हमारे पास क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है हमारे पास, मून आ गई है हमारे पास, मून हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी है हमारे पास, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है कम्युनिकेशन या फिर नेविगेशन, नेविगेशन सैटेलाइट्स जो है हमारे पास वो कौन सी है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं हमारे पास हैं। ये जो सारी सारी सैटेलाइट्स होती है हमारे पास क्या होती हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं हमारे पास है। आगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती है, आर्टिफिशियल ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है मैंने कि जो इंसान की बनाई हुई सैटेलाइट्स हैं, साइंटिस्ट बना के यहाँ से स्पेस में भेजते हैं जो ज़मीन के गिर्द घूम रही हैं, वो क्या होती है हमारे पास, आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन में कुछ इस तरह लिखी हुई है, साइंटिस्ट हैज सेंट मैनी ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। साइंटिस्ट ने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को ज़मीन के गिर्द भेजा हुआ है कि वो रिवॉल्व करती हैं, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। यानी कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। यूजेस क्या है इन सैटेलाइट्स के हमारे पास, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, यूज फॉर द कम्युनिकेशन पर्पज़। ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास, कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन के जो सिग्नल्स आते हैं कम्युनिकेशन के लिए, टेलीविजन जो होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास चैनल चल रहे होते हैं, सारे के सारे कैसे चल रहे होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं हमारे पास है। जहाँ पे एक हमारा एंटीना जो होता है वो, जैसे कि टावर जो होते हैं हमारे पास, सिग्नल को रिसीव करते हैं, फिर वहाँ से हमारे पास सिग्नल कहाँ आते हैं, हमारे मोबाइल्स में आते हैं या फिर हमारे टीवीज में आते हैं। आगे आ गया है यूज टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स, यूज टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए भी ये इस्तेमाल की जाती हैं हमारे पास, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि रिसेंटली नासा ने जो भेजी थी वो कौन सी थी हमारे पास, जेम्स वेब जो टेलीस्कोप थी वो भेजी है कहाँ पे, स्पेस में एक्सपेरिमेंट करने के लिए। हबल टेलीस्कोप जो है वो भी एक्सपेरिमेंट के लिए नासा ने स्पेस में भेजी हुई है, कई साल पहले की बात है ये। तो ये जो है हमारे पास एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए जो भेजी जाती हैं वो क्या होती हैं हमारे पास, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ही होती हैं हमारे पास है। आगे देखते हैं कि सैटेलाइट की स्पीड क्या चीज़ होती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है। सैटेलाइट की जो स्पीड है वो सैटेलाइट की हाइट के ऊपर, यानी कि ज़मीन से सी लेवल से हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ से कितनी दूर है वो सैटेलाइट, उसके ऊपर इसकी स्पीड डिपेंड करती है हमारे पास है। कुछ इस तरह लिखा हुआ है, द स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस एच फ्रॉम द अर्थ, यानी कि इसके किसके ऊपर डिपेंड करती है हमारे पास ये स्पीड ऑफ लाइट, सैटेलाइट किसके ऊपर, एच यानी कि स्पीड ऑफ डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि ये हमारे पास अर्थ है, हमारे पास अर्थ है, अर्थ से जितना फासला होगा उसके ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी ऑब्जेक्ट सैटेलाइट की स्पीड होगी हमारे पास है। ये हमारे पास है, इसकी स्पीड किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इसके डिस्टेंस के ऊपर, एच के ऊपर डिपेंड कर रही है। आगे आ जाए हमारे पास क्या है, ऑर्बिट है हमारे पास है। ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या होता है कि ऑर्बिट वो रास्ता होता है, वो पाथ होता है जिसमें वो सैटेलाइट क्या कर रही है, ज़मीन के गिर्द घूम रही है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। हमने कुछ इस तरह लिखा हुआ है, द पाथ ऑफ सैटेलाइट इज कॉल्ड ऑर्बिट। वो रास्ता जिसमें जो सैटेलाइट का रास्ता है वो क्या कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है, यानी कि जिस रास्ते पर ज़मीन के गिर्द सैटेलाइट घूम रही है। आगे आ गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है हमारे पास है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी होती हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कह लें हम। यहाँ पे ऑर्बिट के बारे में डिस्कस करेंगे।
अच्छा आगे ये हमारे पास है, सेटेलाइट्स अपीयर टू बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, यानी कि ऐसे सेटेलाइट्स हैं जो ज़मीन के हिसाब से क्या होती हैं, स्टेशनरी होती हैं, यानी कि जिस स्पीड के साथ, जिस वेलोसिटी के साथ ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रही है, उसी के साथ ये है सेटेलाइट्स भी ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं, इसलिए ये हमारे पास क्या होती हैं, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट होती हैं। और जिस ऑर्बिट में ये मूव कर रही होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। जैसे कि ज़मीन है हमारे पास, ये हमारे पास ज़मीन है, यहाँ पे ये क्या लगे हुए हैं, टावर लगे हुए हैं। अगर ये सेटेलाइट जो है यहाँ पे स्टेशनरी रह जाएगी तो ये यूं घूमेंगे तो हमारे पास सिग्नल कर जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। तो ये जो सेटेलाइट होती हैं ये यूँ ज़मीन की वेलोसिटी के साथ ही क्या करती हैं, रिवॉल्व करती है ज़मीन के, जिसे हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सेटेलाइट कहते हैं। और जो उनका पाथ होता है वो क्या होता है हमारे पास, जियो स्टेशनरी पाथ होता है हमारे पास। को देखते हैं, सेटेलाइट्स अपीयर टू बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, सेटेलाइट होती हैं वो ज़मीन के हिसाब से स्टेशनरी होती हैं। द ऑर्बिट ऑफ सच सेटेलाइट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, इन सेटेलाइट्स को हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स कहते हैं। आगे क्या हो गया हमारे पास, इन द ऑर्बिट ऑफ सच सेटेलाइट, या जो इनका ऑर्बिट जो होता है इन सेटेलाइट्स का, वो क्या कहलाता है हमारे पास, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाता है हमारे पास। क्या कहलाता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाता है। अगर इट टेक्स 24 आवर्स टू कम्प्लीट वन रेवोल्यूशन, ज़मीन अपने अपना चक्कर कितने घंटों में पूरा करती है, 24 घंटों में पूरा करती है। ये ज़मीन की वेलोसिटी के साथ ही मूव कर रही है अपने एक्सिस के गिर्द, इसी तरह स्पिन कर रही है, तो इसी तरह ये भी क्या हो जाएगी हमारे पास, 24 आवर्स में ये अपना चक्कर कम्प्लीट करेगी। द हाइट ऑफ जियो स्टेशन सेटेलाइट इज़ अबाउट टू 42,300 किलोमीटर है हमारे पास। कितनी है ये हमारे पास इसकी सेटेलाइट, कितनी होती है तकरीबन इसकी हाइट, 42,300 किलोमीटर होती है ज़मीन से, यानी कि ज़मीन के सरफेस से कितनी हो जाएगी ये हमारे पास, 42,300 किलोमीटर होती है हमारे पास है सेटेलाइट की। इस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज़ ज़ीरो, ये ज़मीन के हिसाब से क्या होती है, इसकी वेलोसिटी ज़मीन के रेफरेंस के साथ इसकी ज़ीरो होती है हमारे पास है। आगे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम क्या होता है कि हमारे पास सेटेलाइट होती हैं जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के ऊपर है, जो किसके लिए काम आती है हमारे पास, नेविगेशन सिस्टम के लिए काम आती हैं। यानी कि हमारे पास नेविगेशन सिस्टम जो चल रहा है हमारे पास, वो क्या आता है, ग्लोबलिंग पोजीशनिंग सिस्टम कहते हैं उस चीज़ को हम। ग्लोबलिंग पोजीशन सिस्टम क्या होता है हमारे पास, किसी भी बॉडी को पोजीशन को, ज़मीन के ऊपर जो बॉडी है उसकी पोजीशन को चेक करने के लिए जो सेटेलाइट इस्तेमाल की जाती हैं वो क्या होती है हमारे पास, नेविगेशन सेटेलाइट्स होती हैं हमारे पास। इसके बारे में देखते हैं कि नेविगेशन सिस्टम होता है हमारे पास, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम क्या होता है, इट इज़ नेविगेशन सिस्टम होता है हमारे पास है। इट हेल्प अस टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अ बॉडी ऑन द लैंड, यानी कि ज़मीन के ऊपर जो भी बॉडी हमारे पास पड़ी है उसकी क्या करते हैं, पोजीशन को फाइंड करते हैं। जैसे कि हमारे पास GPS सिस्टम आजकल चल रहा है, वो क्या होता है हमारे पास, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की यानी कि नेविगेशन सेटेलाइट्स हैं। या फिर हमारे मोबाइल अक्सर गुम हो जाते हैं तो जो नेविगेशन सिस्टम की मदद से हम मालूम करते हैं वो क्या होती है हमारे पास, नेविगेशन सेटेलाइट्स ही होती हैं। उनकी मदद से हम करते हैं हमारे पास उनका डाटा वहाँ पर सेटेलाइट में मौजूद होता है। स्पीड इज 3.87 किलोमीटर पर सेकंड है, ये क्या इसकी स्पीड कितनी होती है, 3.87 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 3.87 किलोमीटर ये अपना डिस्टेंस कवर करती है एक सेकंड के अंदर। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, क्यों ये हमारे पास MCQs में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। कंसिस्ट 24 अर्थ सेटेलाइट्स, ये कितनी सेटेलाइट्स पर डिपेंड कंसिस्ट करती हैं, 24 सेटेलाइट्स के ऊपर डिपेंड होती है। नेविगेशन सिस्टम जो होता है हमारे पास कितना होता है, 24 अर्थ सेटेलाइट्स होती हैं यहाँ पे, यानी कि हम ज़मीन से 24 अर्थ सेटेलाइट्स को भेजते हैं नेविगेशन सिस्टम के लिए, तभी ये वर्क करता है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। ये हमारे पास है जियो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है हमारे पास है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आएगा, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।